हेलो इन्वेस्टर्स, तो गाइस आज हम बात करने जा रहे हैं तिलक वेंचर्स लिमिटेड के बारे में। तो गाइस शेयर के बारे में बात करने से पहले मैं आपको बता दूं कि मेरा एक व्हाट्सएप ग्रुप है जिसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे रखी है, आप वहां पे जुड़ सकते हैं, जहां पे आपको डेली कॉल्स मिल जाएंगे और काफ़ी सारी एडवाइसेस मिल जाएंगी। तो लिंक उसके डिस्क्रिप्शन में मैंने दे रखे। तो गाइस शेयर के बारे में बात कर लेते हैं। ये शेयर एक इंडियन बेस्ड कंपनी है जिसका बिजनेस मॉडल है इन सेक्टर ऑफ फाइनेंस एंड ट्रेडिंग इन शेयर्स। गाइस इसका इन शॉर्ट आपको बिजनेस समझा देता हूँ। किसी भी कंपनी को ये एक सपोर्ट देती है एज लोन इन फाइनेंस सेक्टर, एंड उसका जो भी है इंटरेस्ट लेती है, उस तरीके से कंपनी का रेवेन्यू मॉडल चल रहा है। काफ़ी इसके रिजल्ट के बारे में अभी बात कर लेते हैं कि ईयरली बेसिस पर नेट प्रॉफिट इसका मार्च 23 में काफ़ी बढ़िया है एज़ कम्पेयर टू मार्च 22। लुकिंग प्रोग्रेसिव कंपनी, सो इन्वेस्टिंग इज़ अ गुड पॉइंट ऑफ व्यू। सो क्वार्टरली की बात करते हैं, क्वार्टरली के अंदर भी जो इसका मॉडल के हिसाब से दिख रहा है, पिछले क्वार्टर से इस क्वार्टर के अंदर काफ़ी अच्छा रिजल्ट इसका हमें देखने को मिल रहा है। तो ओवरऑल इस शेयर के अंदर इन्वेस्टमेंट बनती है, लेकिन फिर बात आती है कि कौन से पॉइंट पे इसकी बनती है। तो गाइस 52 वीक हाई इसका जो है 9 रुपीज़ है अप्रोक्स, आप यहाँ पे देख सकते हैं, मैंने 1 ईयर का चार्ट लगाया है उसमें अगस्त 25th के अराउंड ये 52 वीक हाई पकड़ा था, और अभी फिर से अगस्त आ रही है। पिछले भी अगस्त में ये हाई पे था, अगस्त सेप्टेम्बर के अंदर। तो अभी इसके अंदर पॉइंट बन रहा है कि क्या ये अगस्त सेप्टेम्बर में फिर से अपने हाई के ऊपर आएगा। तो गाइस उसकी बात कर लेते हैं। अभी करंटली 6.07 के ऊपर ये मूविंग कर रहा है। 6 मंथ का इसका हम क्राइटेरिया देखेंगे तो आप देख सकते हैं इसने 64% रिजल्ट इसने दिया है। 3 मंथ के अंदर भी प्रोग्रेसिव है, 1 मंथ के अंदर भी। तो गाइस काफ़ी अच्छा इसका रिजल्ट दिख रहा है, लेकिन अब मैं बात कर लेता हूँ इसके अंदर आपको इन्वेस्टमेंट करना है कि नहीं। तो गाइस अभी इसके अंदर इन्वेस्टमेंट नहीं करना है। अभी इसके अंदर हमें कुछ ब्रेकआउट देखने को मिल सकता है नियर डाउन साइड, तो वो ऐसा हमको इसके अंदर देखने को मिलेगा कि शेयर में भी लोअर सर्किट लगा सकता है। तो गाइस अगर ये 7 रुपीज़ को क्रॉस करता है, यहाँ से अगर ये 7 रुपीज़ को ये क्रॉस कर देगा, तो मैं आपको खुद सामने से अपने व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर अपडेट दे दूंगा कि ये शेयर को आप बाय कर सकते हैं। ये आप मोमेंट देख सकते हैं आज की इसकी, ये फ्राइडे की 6 रुपीज़ के ऊपर इसकी अप्रोक्स 585 ओपनिंग हुई और हाई गया है ये 6.08, और यहाँ पे इसने करंट कंटिन्यूटी बना के रखी, लेकिन काफ़ी इसके अंदर ब्रेक्स देखने को मिले हमें, जो काफ़ी इसके अंदर नीचे भी चला गया था 5.64 के आजूबाजू अराउंड चला गया। तो गाइज अगर ये 7 रुपीज़ को क्रॉस करता है तो हम इसके अंदर बने रहेंगे, हमें इसके अंदर इन्वेस्टमेंट हमको रेडी रखना है एज लास्ट ईयर ये वापस अपना 52 वीक हाई को क्रॉस डेफिनेटली करेगा अगर ये 7 रुपीज़ को क्रॉस करता है। तो अगर ये नहीं करेगा, प्रायोरिटी यही लग रही है कि शेयर अभी नीचे आने की संभावना इसके अंदर दिख रही है मुझे, तो हमें इसका इनटेक कब बनेगा वो हम नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। तो अभी के लिए सर गाइस इतना ही, चैनल पर बने रहिएगा। थैंक यू।